शिक्षण का, किस तरीके से उन्होंने इतनी बेशुमार मुसीबतों कठिनाइयों के साथ जो अपना कारनामा आगे बढ़ाया और अपने अनुयायियों से अपेक्षा की थी कि अगर इस कारनामे को थोड़ा आगे न ले जा सके तो किसी कीमत पर पीछे न ले जाने देना, यह उनकी अपेक्षा थी। उस अपनी इच्छा को माननीय काशी राम जी ने आगे बढ़ा के पूरा किया और अपने भारत से सम्राट बहलाल जी के नेतृत्व में उसे मस्जिद तक पहुंचाएगी। यही है हमारे भूप सिंह जी के इस उद्धार का अंश। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो कहानी बताई गई तो हम आप डेलीगेट्स में बताना चाहते हैं जीवन के चार क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, चारों फील्ड में हमें ट्रेनिंग देनी होगी और भाव से ही इस समय पढ़ाने का समाज है, इम्प्लाइज का ऑर्गेनाइजेशन है, वो समाज को नेतृत्व दे सकता है। और ये जिस समय संविधान पर खतरे की बात की जा रही है और 26 जनवरी 1950 के पहले जो बनवादी व्यवस्था लागू की जाने की बात की जा रही है, उसके लिए हमें सांस्कृतिक परिवर्तन की जरूरत होगी। ये लड़ाई हमें अपने आप से लड़नी होगी क्योंकि जाति व्यवस्था हम खुद लेकर ढो रहे हैं। देश भर के दूर दूर कोने कोने से लोग यहाँ आकर दिल्ली में बस जाते हैं, अपना घर घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, अपने गाय भैंस खेत बाड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज लेके आते हैं, वो उनकी जात रह जाती है। आज हम इस बिल्डिंग से बाहर अंदर से परिवार जाति मुक्त हो जाएंगे और जाति मुक्त होकर क्या होंगे, बाबा साहब के बाद हम बहुत बढ़ते जाएंगे। तो हमारे कल्चरल आंदोलन के प्रमुख आदरणीय डी डी भारती जी मौजूद है, उन्होंने दो दो बुद्ध विहार बनाए और हजारों की संख्या में बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाया है। अंतर जातीय विवाह वहां पर की जाती है, मैंने भी अंतर जातीय विवाह की है, हमारे पत्नी ओबीसी साहू समाज की है और हमें 50,000 का पुरस्कार मिला है। तो आदरणीय भारती जी को आमंत्रित करेंगे उस कल्चरल आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस डेलीगेट को सपोर्ट करें जिससे जन जन तक जाकर भारत को जाति मुक्त बनाए। आदरणीय डी डी भारती जी और कल्चरल प्रमुख हमारे बाबा साहेब आंदोलन के आए, आदरणीय डी डी भारती जी।